Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Mo and today I'm going to share with you the review for the Philips Kera Shine Straightening Brush. So without any further ado, let's start with the video. So ये ब्रश मैंने मिंत्रा से लिया है, वहाँ ये काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा. डू चेक आउट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो इसकी अगर प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी स्टर्डी एंड हाई क्वालिटी की लगती है. इसमें इस तरह से आपको एक मैनुअल मिल जाता है. इसका जो वायर है वो काफ़ी लंबा है लेंथ वाइज, तो इसको आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक लगा के इसको आप हेयर स्ट्रेटन कर सकते हैं. वैसे तो ये 5 मिनट का क्लेम करता है, बट ये डिपेंड करता है आपके हेयर वॉल्यूम, टेक्सचर और लेंथ पे. बेसिकली इसका जो सिल्क प्रो केयर है वो मिनिमाइज करता है हीट डैमेज ऑन हेयर. बट फिर भी कोई भी हेयर प्रोडक्ट, हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले मेक श्योर आप एक हीट स्प्रे यूज़ कर रहे हैं. तो इस तरह से आप अपने बालों को पहले पार्ट कर लीजिए, उसके बाद फेस के ऑपोजिट साइड रखिएगा ब्रश को, एंड देन ऊपर से नीचे से इस तरह से ग्लाइड कीजिएगा जैसे आप ब्रश को करते हैं. एंड ये स्टेप को फॉलो तब तक कीजिएगा जब तक आपको लगे कि आपका बाल स्ट्रेटन अप हो गया है. क्योंकि मेरा हेयर ऑलरेडी वेवी है, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मैं इसे 1 या 2 टाइम्स करने पर ही ये मेरे को परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है. तो इस तरह से आपको सारे बालों पे इसी तरह से आपको करते रहना है. आई एम बैक आफ्टर डूइंग माई हेयर्स. तो कमिंग बैक टू दिस स्ट्रेटनिंग आयरनिंग ब्रश, ओवरऑल आप देख ही सकते हैं ये बालों को किस तरह से स्ट्रेट किया है, किस तरह से. अगर आप इसको फुली एक स्ट्रेटनर की तरह सोच रहे हैं, बिल्कुल पोकर स्ट्रेट हेयर, तो ये पोकर स्ट्रेट नहीं करता है. इस ब्रश की खूबी है कि ये आपके हेयर को मैनेजेबल कर देता है. अगर आपको फ्रिजी हेयर का प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस पार्ट में फ्रिजी हेयर्स के, तो अगर नहाने के बाद जब हेयर वेट रहता है तो पता नहीं चलता है, बट उसके बाद अगर जब बालों को आप ड्राई कर लेते हो तो बाल एकदम से यहाँ से खड़े, यहाँ से खड़े, बहुत अजीब सा लुक लगता है. तो मैं बेसिकली ये इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे हेयर को ये काफ़ी मैनेजेबल बना देता है. फ्रिजी हेयर्स के प्रॉब्लम से मुझे ये बहुत ज़्यादा यू नो राहत दिया है. एंड बेसिकली मैं ये प्रोडक्ट को 100% रिकमेंड करूँगी. गाइज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, मैंने अपने हार्ड अर्न मनी से इसे परचेस किया है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट आप इसको अगर सेल के ड्यूरिंग लेंगे तो इसको आप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे पा सकते हैं. बेसिकली मैंने इसे मिंत्रा से लिया है तो मुझे ये बहुत अच्छे रेट पर मिला है. तो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ढूंढ रहे तो ट्राई कीजिए मिंत्रा से. मिंत्रा पे काफ़ी अच्छे सेल पे, ऑफर पे ये मिलता है अपार्ट फ्रॉम अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट या नाइका. आप कन्फ्यूज है कि एलन ट्रूमन के ड्रायर से या फिलिप्स के ब्रश से, तो गाइज मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ. फर्स्ट तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, या आप मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, आपका हेयर वॉश आप कितने बार कर रहे हैं. क्योंकि एलन ट्रूमन का जो ब्रश है, अगर आप उसे लेना चाहेंगे तो आपको ये पता होगा कि क्योंकि वो एक ब्लो ड्रायर ब्रश है, तो आपको आपके हेयर को वेट रखना है. बेसिकली वो वेट हेयर्स पे ही होता है, बिल्कुल ड्रिपिंग वेट नहीं, बट टॉवल ड्राइड वेट हेयर्स पे ही होता है. मान लीजिए आप कहीं अर्जेंटली ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी आपको निकलना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप हेयर वॉश करोगे एंड देन उसको टॉवल ड्राई करोगे एंड देन ब्लो ड्राई करोगे, क्योंकि ब्लो ड्रायर में भी टाइम लगता है. बट बेसिकली अगर आप दोनों रखना चाहते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी दोनों ही पसंद है. बट क्योंकि अगर आप बहुत अर्जेंटली कहीं निकल रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप या डेली हेयर वॉश करते नहीं हो, क्योंकि मैं भी फ्रिक्वेंटली नहीं करती हूँ, 2 हफ्ते में 2 या 3 बार करती हूँ. सो मुझे अगर ट्रैवल करना है, कहीं निकलना है, कोई भी पार्टी है, कहीं पर भी निकलना अगर हो, तो मैं बेसिकली क्योंकि मेरे हेयर ड्राई है तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मेरे ड्राई हेयर के लिए काम आए. बहुत सारे रिव्यू वीडियोस देख के फिर मैंने फिलिप्स का ये केरा शाइन प्रोटेक्शन ब्रश लिया. गाइज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ. क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि अनमैनेजेबल हो जाता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रिजी हेयर का, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है. इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हेयर को कम्प्लीटली ड्राई कर लेती हूँ. कम्प्लीटली अगर मेरा हेयर कम्प्लीट ड्राई है, मान लीजिए कि सेकेंड डे ऑफ हेयर वॉश है, थर्ड डे ऑफ हेयर वॉश है, बस ध्यान रखिएगा कि आपका हेयर जो है वो ड्राई होना चाहिए, कम्प्लीट ड्राई. स्वेट वाला, जैसे हल्का जो स्वेटिंग रहते हैं, पसीने वाले बाल, वैसे भी नहीं, कोशिश कीजिए बिल्कुल ड्राई हेयर हो. उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये इसमें का केराटिन स्मूथ हीट स्प्रे है. तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, करीब 236 ml. इसकी जो स्ट्रेटनिंग पावर है ये करीब 3 से 4 घंटे 5 घंटे आराम से स्ट्रेट रहता है, डिपेंड करता है. मान लीजिए उसके बाद आपने स्ट्रेटनिंग करने के बाद अगर आपने अच्छा एक हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया तो वो काफ़ी ना ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक हीट अप्लाई कर रहे हैं अपने बालों पे, चाहे आप ब्लो ड्रायर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ये ब्रश यूज़ कर रहे हैं, बट क्योंकि आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ज़रूर यूज़ करना है. सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हर कंटेंट क्रिएटर को, खासकर मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है. लास्ट कुछ वीडियोस ओवरवेलमिंग रिस्पांस, लव, मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू ऑल जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है या आगे भी कर रहे हैं, थैंक यू ऑल. एंड
That's all. See you all in my next video. Till then, bye.